रिलायंस जियो ने जारी किया नया टीजर, आने वाला है जियो जूस। जारी किए गए टीजर में बीटा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जियो जूस के बैटरी सेवर ऐप होने की संभावना। जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन को लेकर जल्द हो सकता है ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुष, आप देख रहे हैं साइबर गुरु। आज के इस वीडियो में आपको जियो के नए टीजर के बारे में बताने जा रहा हूं और नए अपडेट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना 5 से 6 टेक वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूं। रिलायंस जियो ने अपने एक नए प्रोडक्ट का टीजर जारी किया है। ट्वीट करके जानकारी दी है कि इसे जियो जूस के नाम से जाना जाएगा। जियो जूस के लिए जारी किए गए टीजर में बीटा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो इशारा करता है कि यह बैटरी सेवर ऐप होगा। बीटा ऐप होने की स्थिति में यूजर को इसे इस्तेमाल करने के लिए रजिस्टर करना होगा। टेस्टिंग पूरी होने के बाद ही इसे सभी यूजर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जियो ने फिलहाल टीजर जारी करने के अलावा सभी अभी सी इस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, सिर्फ यह बताया कि यह जल्द आएगा। गौर करने वाली बात है कि जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन भी खत्म होने के कगार पर है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि प्राइम मेंबरशिप को आगे क्या होगा। प्राइम सब्सक्रिप्शन को पिछले साल फरवरी माह में लॉन्च किया गया था। इस दौरान ही कंपनी ने अपनी फ्री सेवाओं को खत्म करके यूजर से शुल्क लेने शुरू किया था। प्राइम सब्सक्रिप्शन की आखिरी तारीख 31 मार्च है। सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ज्यादा डेटा और जियो ऐप्स का एक्सेस मिलता है। शुरुआत में यूजर के पास इस सेवा को चुनने की सुविधा थी, लेकिन इसके बाद ही अनिवार्य कर दिया गया है। मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली यह कंपनी जियो प्राइम के संबंध में आज या कल कोई अहम ऐलान करेगी। फिलहाल हम आपको यही सुझाव देंगे कि अगर आप कोई नया जियो कनेक्शन लेने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर किसी पुराने जियो सिम को पहली बार रिचार्ज कराना है तो 31 मार्च तक का इंतजार कर लें, क्योंकि 99 रुपए वाले जियो प्राइम मेंबरशिप 31 मार्च तक ही वैध रहेगा। उम्मीद यही है कि रिलायंस जियो पहले की तरह ग्राहकों को बजट ख्याल रखेगी। संभव है कि जियो प्राइम सब्सक्रिप्शन को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जियो अपनी कंटेंट सेवाओं को जियो प्राइम सब्सक्राइबर से पूरी तरह से जोड़ दे। लेकिन बाद में जानकारी मिली कि जियो ने अपना 1 साल के लिए सभी जियो प्राइम मेंबरशिप फ्री कर दी है, पूरी 1 साल के लिए, लेकिन कुछ मौजूदा यूजर के लिए ही यह फ्री सब्सक्रिप्शन